हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोड़े, जो कि हमारी परंपरागत डिश है। और पोड़े हम बनाते हैं, गुड़ से भी बनाते हैं और चीनी से भी। यहाँ पे मैंने चीनी ली है और ये आटा हमें चाहिए। और ये हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे सौंफ। और तेल हमें चाहिए पोड़े तलने के लिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि पूड़े कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना किया था और उसमें चीनी को 10 मिनट के लिए मैंने घुलने के लिए रख दिया था। और चीनी अच्छे से घुल चुकी है और अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। और सौंफ डालने के बाद हम इसमें आटा डालेंगे। आटा मैंने छान के रखा हुआ है पहले से ही। और अब हम इसमें आटा डालते रहेंगे और इसको फिर घोलेंगे। और इसका घोल हमें ऐसा तैयार करना है जो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हमें रखना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इस घोल को बनाना है। और ये थोड़ा पतला है इसलिए मैं थोड़ा आटा और इसमें डालूंगी। और डालने के बाद फिर से इसको हम घोलेंगे। और इसको घोलने के बाद हम बनाएंगे पोड़े। कई जगह पर इनको गुलगुले भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पोड़े ही बोलते हैं। ये देखिए, हमारा घोल इस तरह का तैयार होना चाहिए। और अब तेल मैंने गरम कर लिया है और इसमें हम पोड़े ऐसे डालेंगे। हाथ से भी डाल सकते हैं और चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैं हाथ से ही पोड़े बनाती हूँ और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। और ये ऐसे हमें डाल देने हैं। और हमेशा हम बच्चों के लिए ही बनाने की सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ चटपटा बनाएं। तो आज मैंने अपने बुजुर्गों के लिए ये डिश तैयार की है। बुजुर्गों को ये बहुत ही पसंद होते हैं पोड़े। अपने दादा दादी और नाना नानी के लिए भी तो हमें कुछ बनाना चाहिए। तो ये आप अगर इस तरह से बना कर देंगे पोड़े तो सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, बुजुर्गों को खासकर। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और मीठे बनते हैं। गुड़ से भी इन्हें बना सकते हैं हम। बस हमें चीनी की जगह पर गुड़ डालना है। गुड़ भी हम उसको तोड़कर भिगोएंगे तो वो आसानी से वो भी घुल जाता है पानी में। और बस बाकी सब हमें आटा ऐसे ही मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। हमारे घर में चीनी के पसंद किए जाते हैं पोड़े। और ये देखिए, एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम इनको पलट लेते हैं और दूसरी साइड से हम इनको तलेंगे। और ये फ्लेम हमें थोड़ा मीडियम ही रखनी है। तेज फ्लेम में अगर हम इनको पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। और मीडियम फ्लेम में हम इनको धीरे धीरे पकाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे हमारे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको पकाना है, फ्राई करना है। और ये देखिए, पूरे हमारे तैयार हो चुके हैं। इस तरह से हमें इनको निकाल लेना है। और फिर से मैं एक बार फिर से आपको बनाकर दिखाती हूँ पूड़े। ये बहुत ही आसान है बनाने। और आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ये एक साइड से हमारे पूड़े पक चुके हैं। अब फिर से हम इनको पलट देंगे। और ये 1 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाते हैं बस। और ये एक साइड से पक जाते हैं और फिर हम इनको एक एक करके पलट लेते हैं। हमेशा हम चटपटी नमकीन चीज़ें ही खाने की सोचते हैं, तो कभी कभार हमें मीठा भी खाने का मन करता है। तो ये
हमारी परंपरागत स्वीट डिश है। ये कई त्योहारों पे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं पोड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सबके साथ शेयर की जाए। तो ये देखिए हमारे पोड़े एक साइड से पक चुके हैं और ऐसे ही हम इनको पलट पलट कर फ्राई करेंगे अच्छे से, और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और ये हमारे पोड़े तैयार हो चुके हैं और फिर से हम इनको निकाल लेंगे। और बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। और ये मैंने अपने पोड़े सर्व कर दिए हैं इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस तरह से ज़रूर बनाना, और लाइक कमेंट और शेयर करना।